खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, गाड़ियों की रफ्तार कम रखने, फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी हल्की धुंध, शहर में सर्दी की लहर जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। मार्च तक सिर्फ असेंबली नहीं तोड़ेंगे, चार माह कुछ नहीं हो रहा, मुजाकरात और बातचीत के लिए बेहतरीन मौका है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू, कहा तहरीक इंसाफ को कुछ लिख कर नहीं दिया लेकिन इमरान खान को जबान दी हुई है, जब भी कहेंगे असेंबली तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा इमरान खान का सियासी एजेंडा करार दे दिया। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मुल्क में वक्त से पहले इलेक्शन कराने की जरूरत नजर नहीं आ रही, मौजूदा असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान को घर भेजने में अमरीका का कोई किरदार नहीं, हमने इन्हें आईनी तरीके से घर भेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक इमरान खान का बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल करार दे दिया। वज़ीर रेलवे साद रफीक कहते हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी, तो दोबारा तौसी देने की पेशकश क्यों की। वो कहते जल्दी इलेक्शन हो जाए, पर इनको बहुत गलत फहमी है कि अगर इलेक्शन हो गए हम 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। जो इत्तेहादी हैं जमातें वो अपने अपने इलाकों में बड़ी पावरफुल हैं, आइंदा भी मखलूत हुकूमत बनेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि इमरान खान बात करना चाह रहे हैं तो गैर मशहूर बैठे, चेयरमैन पीटीआई असेंबलियां तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे, इन्हें मालूम है अगर वो असेंबलियां तोड़ देंगे तो सिर्फ 2 सूबों में ही इलेक्शन होंगे। आजाद जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, पूंछ डिवीजन के 88 यूनियन काउंसिल्स में से 37 के सरकारी नतायज आ गए। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा 15 यूनियन काउंसिल्स में, फाते पीटीआई 12 और पीपल्स पार्टी 6 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब। पूंछ के 787 वार्ड में से 708 के नतायज मौसूल, तहरीक इंसाफ 229 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर, आजाद उम्मीदवार 199 नशस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 129 और पीपल्स पार्टी ने 104 वार्ड में नशस्तें जीती। का निजाम नामंजूर, मुल्क में इस्लामी बैंकिंग के निफाज का आवामी मुतालबा जोर पकड़ने लगा, न्यूज़वान आवाम की आवाज बन गया। HBL, ABL, UBL और MCB मुकम्मल इस्लामिक बैंकिंग निजाम के निफाज में रुकावट, मामले पर चारों कमर्शियल बैंकों के तर्जमान का मौकफ देने से गुरेज। वफाकी शरई अदालत भी सूदी निजाम को गैर शरई करार दे चुकी है। आवाम और मजहबी रहनुमाओं का मुतालबा है कि इस्लामी बैंकिंग निजाम के निफाज में हालिया रुकावटों को दूर किया जाए। कराची महमूदाबाद में डकैती मजामत पर शहरी कत्ल, सुजानी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी, लांडी जमानाबाद में 3 मुजरिमान ने घर के बाहर बैठे 2 शहरियों को लूट लिया, न्यू कराची और स्टील टाउन में 2 मुकाबले, पुलिस ने 3 जख्मी डाकू धर लिए। लाहौर में घर में आग लगने के 2 वाकया, 3 अफराद जान से गए। इशराज शाहजमाल में 2 साल बच्चा झुलस कर जाम हुआ, एक जख्मी। गवाल मंडी में भी 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे।
भारत में मुसलमान होना बड़ा जुर्म बन गया। रियासत महाराष्ट्र में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक और मुसलमान को डंडों से मार मार कर कत्ल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मगरबी किनारे में यहूदी आबादियों की मुखालफत करेंगे अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि नई इसराइली हुकूमत को शख्सियात से नहीं इकदाम से जांचा जाएगा। अमरीका को हर उस पॉलिसी पर एतराज होगा जो दो रियासती तनाजे के हल के खिलाफ होगी। दो रियासती तनाजे के हल के खिलाफ पॉलिसी इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका मुकदस मकामात की तारीखी हैसियत में तब्दीली के इकदाम का भी मुखालिफ होगा। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 51वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को ना पहुंचने चबवाए और वतन पर कुर्बान हो गए।